हफ्ते की शुरुआत में भारतीय बाजारों में बने फिर से नए रिकॉर्ड और लगातार चार दिनों से शानदार तेजी। क्या आज भी अगर सुशुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे, क्या नए रिकॉर्ड बनेंगे, लेंगे सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और आज की शुरुआत कैसी होगी काफी कुछ निर्भर करेगा कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। तो उन्हीं संकेतों को देख लेते हैं और बताते हैं आज के अहम ट्रिगर्स। संकेत विदेशी बाजारों से बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका के बाजार कल आधा से 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे स्टॉक्स की गिरावट की वजह से नैस्डैक 1.5% तक लुढ़का है। एशियाई बाजारों की चाल धीमी है और सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल सुस्त कारोबार कर रहा है। लेकिन फोकस में रहेगी आरबीआई पॉलिसी की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है कल इसका आउटकम आएगा और फेड की आज से 2 दिनों की बैठक हो रही है शुरू। रिजल्ट्स के हिसाब से दिन अहम है। कई अहम नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं उसमें एक्सिस बैंक, आइडिया, इंडिगो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इस पर पूरा विश्लेषण भी आपको मिलेगा आपसे कुछ ही देर में कि नतीजों के बाद आपको करना क्या है। आज जिन कंपनियों के नतीजे जारी होंगे उसमें टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड ये स्टॉक्स फोकस में होंगे। यूपीएल, वेदांता ये 4 निफ्टी की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। वायदा बाजार से जुड़े भी कई अहम नतीजे आज घोषित हैं। 4 निफ्टी की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। वायदा बाजार से जुड़े भी कई अहम नतीजे आज घोषित होंगे जिसमें कैस्ट्रॉल है, बैंक ऑफ इंडिया, बीएल, डाबर, जिंदा फार्मा। तो शो में शेयर बाजार लाइव में आपको इन सब स्टॉक्स पे सटीक स्ट्रेटजी मिलेगी कि नतीजों से पहले करना क्या है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ ही। और संकेत ओवरऑल अगर देखें अनिल जी तो कैसे लग रहे हैं एशिया और अमेरिका दोनों को देखते हुए? खराब ही है, अच्छे तो है नहीं। देखिए लगातार 5 दिनों से 4 दिनों से नैस्डैक तेजी से गिरा है और वहाँ पर वजह साफ है कि जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के वो अच्छे हैं नहीं। और वहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां ज्यादा है, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारे, फेसबुक जिनके नतीजे कमजोर हैं, तो वहाँ से थोड़ा दबाव बन रहा है। उसका असर अब पिछले 2 सेशन से डाउ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आया क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अमेरिका में भी है ही। और आज से 2 दिनों की फेड की अहम बैठक शुरू हो रही है जिसका असर हमारे यहाँ गुरुवार सुबह पड़ेगा, यानी कि परसों सुबह। तो ग्लोबल फैक्टर्स काफी हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो 2 बड़े फैक्टर हैं ग्लोबल मार्केट के, एक तो कच्चा तेल और रुपया, दोनों स्टेबल हैं, वहां से चिंता नहीं है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है। वैसे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक पर भी नजर रखनी होगी। वहां भी इस बार ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है थोड़ा। तो पूरे दुनिया भर में, और हमारे यहाँ भी कल पॉलिसी है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मिल रहे हैं और ब्याज दरें बढ़ने का खतरा हो तो थोड़ा सा सावधानी वाला संकेत है ये हफ्ता। उस लिहाज से मेक और ब्रेक हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़े से रुकावट के संकेत अभी आए। अब ये अलग बात है कि भारतीय बाजार अभी तक उस पर ज्यादा रिएक्शन दे नहीं रहे और हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमें अपने संकेतों की ज्यादा परवाह है। और हमारे संकेत क्या है? एक तो रिजल्ट्स और दूसरा पॉलिसी जो कल आने वाली है। अब पॉलिसी में इस बार राय बटी हुई है कि क्या होगा। कुछ लोग मान रहे हैं ब्याज दरें बढ़ेंगी, कुछ लोगों का मानना है कि छोड़ देंगे इस बार। अब ये इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि बाजार में अगर शॉर्ट टर्म टॉप बनना है तो भी कल बनेगा, और अगर कल की पॉलिसी ठीक आती है तो उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, रिजल्ट्स के लिहाज से जो है अब तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कोई एक्सीडेंट से नहीं, रिजल्ट्स जितने आ रहे हैं वो ठीक है। और यही वजह कि भारतीय बाजार पिछले 1-2 दिनों के ग्लोबल मार्केट्स के कमजोर संकेतों के बावजूद मजबूती दिखाई, टिके हुए हैं, खराब नहीं हो रहे, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, FIs के संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत आज आपके लिए न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत भी न्यूट्रल हैं। हाँ, पॉजिटिव हैं 2 संकेत जो मैं बता दूं। एक तो सेंटिमेंट बेहतरीन है क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर आप हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं और ट्रेंड पॉजिटिव है। ये लगातार 8वां सेशन था कल जब आपने हायर हाईज हायर लोज बनाए, यानी कि पिछले दिन के मुकाबले में ऊपर का लेवल देखा है और पिछले दिन का जो लो था उस लो को तोड़ा नहीं है। और एक दिन बीच में छोड़ दें जहां 2 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, अदरवाइज एक तरह से आप ये कह सकते हैं 7-8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में सेंटिमेंट मजबूत होना स्वाभाविक है, ट्रेंड बेहतरीन होना स्वाभाविक है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ड्रीम रन जैसा मामला है भारतीय बाजारों में, जहां करेक्शन आता ही नहीं है, आता है तो इंट्राडे और बहुत छोटा। तो जो आपने संकेत बताए हैं अहम बाजार की शुरुआत से पहले, इसमें न्यूट्रल का कॉम्पोजिशन ज्यादा है जी, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आज एक दायरे में कारोबार हो सकता है? देखिए एक चीज क्लियर है दीपाली, वो ये कि जब इवेंट्स आपके सामने इतनी ज्यादा हो तो बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी।
स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, अब आप वो रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे जिस रफ्तार से आप पिछले हफ्ते बढ़ रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आप फुल स्टॉप लगाकर यू टर्न ले ले कि हो गया भाई जितनी तेजी होनी थी अब तो नहीं बढ़ेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपके सामने इवेंट्स ढेर सारी है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, तो फिर आप थोड़ा रुकेंगे और बढ़ने की रफ्तार कम पड़ेगी, साथ साथ आपके रेंज में दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब तक वन साइड है, बस खरीदे जाओ बढ़ना ही है बाजार को। लेकिन अब जो हो रहा है थोड़ा आपको शायद 25-50 पॉइंट ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ ट्रेड का मौका मिले, ये हो सकता है। तो फिर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताइए, शुरुआत कैसी, शुरुआत के बाद क्या करें? 11300 के आसपास शुरुआत होनी चाहिए अभी जो माहौल है उसके हिसाब से, और 11300 ही आज आपके लिए निफ्टी पर निर्णायक लेवल है। उसके ऊपर है तो आप 15-20 पॉइंट नीचे भी आ जाएं तो घबराने डरने की जरूरत है नहीं, आप मजबूती हैं। और 11300 के नीचे आएंगे तो थोड़ा सोचेंगे, उसमें भी कोई डर नहीं है, लेकिन सोचेंगे कि क्या 11300 होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। निर्णायक स्तर निफ्टी का ऊपर आया ना कल के मुकाबले? हाँ, कल बहुत ऊपर आया है, मतलब बहुत ही ऊपर है, ऊपर नहीं बहुत ऊपर है। और दूसरा बैंक निफ्टी पर 27800 ये निर्णायक लेवल है जहां से 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। तो 40-50 पॉइंट नीचे भी हैं बैंक निफ्टी पे तो इतना डर नहीं है, जब तक 27800 के ऊपर है तब तक तो आप अच्छे ही हैं निर्णायक लेवल से, ये समझ में आता है। अब आइए छोटी ट्रेडिंग रेंज जो निफ्टी की बन सकती है वो है 11250-11350, और बड़ी रेंज जो है वो 11200-11400 की आती हुई दिख रही है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आइए बैंक निफ्टी की रेंज बता दूं, 27600 से लेकर 27950, यानी कि ऊपर की तरफ 100 पॉइंट है, नीचे की तरफ लगभग 250 पॉइंट है, ये छोटी रेंज है। और बड़ी रेंज अगर आप देखना चाहें, इंटरेस्टिंग है, बड़ी रेंज ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही ऊपर मुझे, 28000 के पार फिलहाल नहीं दिख रहा, तो 27500 और 28000 ये ऊपर की रेंज है, 500 पॉइंट की रेंज आप मान सकते हैं। अब दो लेवल मैंने बड़े इंटरेस्टिंग निकाले आज दीपाली, क्योंकि आपको ग्लोबल मार्केट्स को देख के अगर डर लग रहा हो तो किस लेवल के नीचे आप जाएं तो ही आप कमजोर होंगे इंट्राडे में। ये दो लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे आप साफ तौर पर मान लीजिए। पहला है 11250, जब तक आप 11250 को न तोड़े आप कमजोर हैं ही नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल डरिए घबराइए मत। 11250 के नीचे इंट्राडे में निफ्टी ट्रेड करना शुरू करें तो पहला संकेत कमजोरी का आएगा, और वो लेवल बैंक निफ्टी पर होगा 27600 का। 27600 के नीचे ट्रेड करेंगे, अब आप देखिए जो कमजोरी का पहला संकेत देने वाला लेवल, वहां से हम 70 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पर लगभग 250 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, तो आपके पास कुशन बहुत है कमजोरी के संकेत में मौजूदा रेंज। एग्जैक्टली, तो आप इतना आसानी से कमजोर होंगे नहीं, ये सबसे बढ़िया संकेत है। और ऐसा लग रहा है कहीं कि आरबीआई की पॉलिसी के पहले और फेड की पॉलिसी के पहले बाजार कमजोर होंगे नहीं, इन लेवल को तोड़ेंगे नहीं, ये संकेत आ रहा है, ये है आपके लिए। अब दो लेवल ऐसे दे दूं जहां जिसके नीचे बाजार जाए तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, 11200 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करनी है, और 27500 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी तो। हाँ, उससे पहले मैं आपको अहम सपोर्ट जोन दे दूं, 11175 से 11200 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। और बैंक निफ्टी पर 27400 से लेकर 27500 बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है। तो कल पॉलिसी में कुछ भी हो उसके बावजूद इस लेवल को तोड़ेंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क है, संभावना कम है। हाँ, अभी तो कम है, आज की क्लोजिंग और देखनी होगी कि अगर आज की क्लोजिंग और ऊपर हो जाती है तब तो फिर पक्का ही नहीं टूटेगा, और आज की क्लोजिंग नीचे होती तो फिर कल इसको हम वापस से रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। अब दो लेवल जिसके नीचे बंद हो तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, निफ्टी 11200 के नीचे बंद हो तेजी की पोजीशन कम करें, बैंक निफ्टी 27500 के नीचे बंद हो तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। ठीक है, दो लेवल और देता हूं जहां पे आपको तेजी की पोजीशन खत्म करनी है, जीरो कर लेना है ट्रेडिंग पोजीशन, 11125 बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा निफ्टी पर। और ये मैं क्यों आज इतने सारे लेवल दे रहा हूँ उसकी वजह बता दूं, क्योंकि इवेंट्स ढेर सारी है और इवेंट्स के बीच में बाजार कभी भी बड़े मुंह दे सकता है, और बड़े मुंह तेजी में दे सकता है तो नीचे भी दे सकता है या ऊपर में भी और बड़े दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने स्टॉप लॉस पता होने चाहिए ताकि आप ऊपर के लेवल पर फंसे ना। प्रॉब्लम क्या, जब लाइफ टाइम हाई पर अगर करेक्शन आता है कभी फिर आपको वापस वो भाव आने में बड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस आपके पता होने चाहिए। 11125 के नीचे बंद हो निफ्टी, किसी को पूछे मत, पोजीशन जीरो कर लीजिए। ठीक है, 27400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो, किसी को मत पूछे, जीरो करके निकल जाइए, सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया आज का पूरा विश्लेषण। अब ट्रेड बता दूं, दो तरीके हैं आज ट्रेड करने के, निफ्टी खरीदना है या तो खुलते ही खरीद लीजिए,
तब आपका स्टॉप लॉस 11,250 होगा। बेस्ट जगह खरीदने की 11,250 के करीब की होती है, जिसके नीचे मैंने कहा कि कमजोरी कम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 15-20 पॉइंट नीचे दिख रहा है और मेरा ये मानना है 11,300 के आसपास खुलेगा। अगर 11,300 के आसपास स्टेबल हो जाए, वहां से खरीदना है तो 11,250 स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 11,250 पे खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 11,200 हो गया। ऊपर में 11,300, 11,350, 11,400, ये तीन लक्ष्य हैं आपके लिए निफ्टी पर। 11,400 के आसपास आए निफ्टी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आए तो आ भी सकता है, यू नेवर नो, तो वहां बेचना है आपको, शॉर्ट करना है। 11,425 सिर्फ 25 पॉइंट की रिस्क रखिए, 11,350, 11,325 तक फिर नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन काटने का मौका मिलेगा। आए तो बेचिए जरूर एक बार, 25 पॉइंट की रिस्क लेकर बेचना चाहिए, 11,400 हाँ बेचना चाहिए। अब वो वाली बात नहीं है वन साइड वाली, अब दोनों तरफ रुक रुक के चलेगा। हाँ बढ़ने में ज्यादा मिल सकता है, घटने में थोड़े पॉइंट कम मिल सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मिलेंगे दोनों तरफ। बैंक निफ्टी आप जहां खुले या तो वहीं खरीदें, या वहां खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 27,600। लेकिन बेस्ट लेवल जो बैंक निफ्टी खरीदने का है वो है 27,600। तो 27,600 पर अगर आप बैंक निफ्टी खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 27,400 का। वैसे 27,500 भी लगा सकते हैं, लेकिन सेफर साइड पे 27,400, ठीक है, 27,800 और 27,950, ये दो लेवल होंगे जिसके लिए आपको करनी है तेजी। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है 28,000 के आसपास करना चाहिए, 27,950 से 28,000 की रेंज मिले तो शॉर्ट करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, एक बार चांस लेना चाहिए, ठीक है। 28,050 स्टॉप लॉस होगा, 27,800 आपको फिर से मिल जाएगा, मौका मिलेगा, करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार चांस लेना चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.72 पर है, थोड़ा हायर साइड पे, वायदा कारोबार में बात करेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। और कोई भी स्टॉक आज बैन में नहीं है, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है, लेकिन जो लेवल्स आपने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, जहां पर कमजोरी के संकेत मिलेंगे, तेजी की पोजीशंस कम करनी है और जहां खत्म करनी है, उन लेवल्स को जरूर नोट करके रखिए। लेकिन अगर हम अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखें कल के, तो आपने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं FIs DIs दोनों, वो क्यों? देखिये FIs ने कैश मार्केट में 235 करोड़ की बिकवाली की है, 240 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में की है, सामने 1,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो कोई खास ऐसा चेंज है नहीं, वो पोजिशनिंग कर रहे हैं अपनी, तो मैं ऐसा खराब भी नहीं बोल सकता इन आंकड़ों को, और पिछले 2-3 दिनों के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आंकड़े खराब है भी नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मैं पॉजिटिव बोल दूं, तो मैंने सेफ साइड पे न्यूट्रली रखा है, देखते हैं आज क्या होता है। घरेलू फंड ने हाथ खींचा है खरीदारी से, 48 करोड़ की खरीदारी की, इसलिए उनके आंकड़े भी न्यूट्रल रखे हैं, तो आंकड़े न्यूट्रल साइड पर ज्यादा है दोनों। और एफएनओ के आंकड़े ये भी आपने न्यूट्रल साइड पर प्लेस किए हैं, वो क्यों? पुट कॉल रेशियो की वजह से 1.72 पर है, हायर साइड पे ये बना हुआ, कम नहीं हो रहा, कम नहीं होने की वजह भी है ना दीपाली, देखिए करेक्शन तो आ ही नहीं रहा, किसी भी लेवल से 30-40 पॉइंट का आता है तो वापस से खरीदारी आ जाती है, तो जब तक आप लाल निशान में बनना हो पोजीशन कम होगी कैसे, तो पोजीशन कम होने वाली है नहीं। अच्छा अब कल देखिए आप फिर से निफ्टी में 10,00,000 शेयर जुड़ गए, मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ कि लोग है ना ऑप्शन के बजाय फ्यूचर खरीद रहे हैं, फ्यूचर कब खरीदते हो जब आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए फ्यूचर खरीदने का, ऑप्शन में आप सेफ्टी रखना चाहते हो कि चलो ऑप्शन ले लिया, रिस्क मुझे मेरी पता है, अचानक से ज्यादा गिरेगा तो भी ठीक है, ऑप्शन का दाम धीमे धीमे गिरता है, वो भी सीरीज की शुरुआत में दूसरा ही दिन है, तो निफ्टी फ्यूचर्स खरीदना अपने आप में बड़ी चीज है, हालांकि प्रीमियम हल्की सी घटी है, कोई खास बात नहीं है। ऐसे में निफ्टी पर क्यों 11,300 आपके लिए निर्णायक लेवल, पहले वो बता दूं, 11,300 के कॉल्स पे 18,00,000 शेयर हैं और 12,00,000 शेयर पुट में, बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी कॉल्स में ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर 11,300 के लेवल के नीचे जाएंगे तो ही पहला संकेत हल्की कमजोरी का होगा कि भाई निर्णायक लेवल के नीचे, मुझे नहीं लगता उसके नीचे खुलेंगे फ्रेंकली, हाँ मुझे नहीं लग रहा, 11,300 के आसपास ही कहीं खुलना चाहिए अभी के माहौल को देखते हुए, और वहां खुलेंगे वहां से फिर खरीदारी भी आ जाएगी आपके लिए, हो सकता है, तो 11,300 इसलिए निर्णायक लेवल है। नीचे अगला सपोर्ट 11,200 है और 11,400 ऊपर की तरफ है, तो ये 200 पॉइंट की रेंज हो गई। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब निफ्टी के लिए जो हम कहते हैं ना कि सारा बेच जाएं कर जाएं, वो जो अभी भी चाहिए कॉम्बिनेशन, वो तीनों कॉम्बिनेशन है नहीं, उस तीन कॉम्बिनेशन में अब दो चीजें मिसिंग है, एक तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा और बढ़ना चाहिए, और दूसरा एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर है, वहां पहुंचेंगे तब ये सिचुएशन आएगी। हाँ विक्स जरूर आपका 12.5 के आसपास है, तो वो कह सकते हैं कि लोअर साइड पर है, वॉलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है, ज्यादा दिनों तक आप विक्स को 12-12.5 की रेंज में नहीं देख सकते। विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि जब भी बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है विक्स बढ़ जाता है, तो वो बढ़ने ही वाला है, इसका मतलब उतार चढ़ाव बढ़ने का वक्त आ रहा है, बड़े शांत हो गए बाजार, वो होगा नहीं ऐसा, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी,
190,000 शेयर कल जुड़े हैं बैंक निफ्टी में और 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन बेहतरीन बनती हुई दिख रही, 27,500 से 27,600 बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट आ रहा है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। जो डेटा में दिख रहा है 16 लाख शेयर खड़े हैं बैंक निफ्टी में, जो बड़ा इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ कई सीरीज के बाद दीपाली के बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन ज्यादा है, मंदी की कम है। सीरीज की शुरुआत में मंदी की कम है, मंदी 28,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसमें भी सिर्फ 5 लाख शेयर है, तो तेजी की पोजीशन ज्यादा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अब एक तरह से तो अच्छा है, दूसरी तरफ कभी कभी ये कि कोई भी अगर आरबीआई की पॉलिसी में झटका लग जाए और आपने इतनी तेजी की पोजीशन बना रखी, तो जो हाल जुलाई सीरीज के अंत में देखा आपने शॉर्ट कवरिंग वाला, अगस्त की शुरुआत में अगस्त की शुरुआत में बिकवाली का भी हो सकता है। इसलिए कल मजा आएगा बैंक निफ्टी देखने का क्या होता है, बुधवार होगा, गुरुवार होता तो और भी ज्यादा मजा आता, पॉलिसी के दिन गुरुवार हो और 2:30 बजे पॉलिसी आए और आखिरी 1 घंटे में एक्सपायरी होनी, क्या कहने हैं, फायरवर्क्स होते हैं, मजा आता है। बट एनीवे बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स ज्यादा है शॉर्ट्स कम है, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। तो ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। 9:08 पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे और आपको बता देंगे कि कहां पर खुलने की पॉसिबिलिटी है और क्या रणनीति आपको रखनी है। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की और बहुत सारे अहम नतीजे हैं जो बाजार बंद होने के बाद कल आए हैं। सबसे पहले तो आप जब निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज एक्सिस बैंक करेगा अपना रोल निभाएगा, कैसे? रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट हर एक फ्रंट पर बेहतरीन है, लेकिन अंदाजा भी था, कुछ स्टॉक बढ़ा भी है। अब एक्सिस बैंक में एक ही चीज है कि लोग सोचते थे कि शायद एक्सिस बैंक का की कमान आगे कौन संभालेगा, उसका नाम आ सकता है, वो नहीं आया, तो थोड़े लोग उस पर भी एक अंदाजा लगा रहे थे। बट एनीवे उसकी वजह से स्टॉक पे क्या रिएक्शन आना चाहिए वो तो कहना मुश्किल है। बट हाँ, एक चीज जो हम कह सकते हैं कि नतीजे बेहतरीन है और इन नतीजों के दम पर 580-580 तक स्टॉक जाने की ताकत रखता है, वहां पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए आप। ठीक है, 580-585 तक जा सकता है, वहां पर मुनाफा वसूली करने की सलाह है। टेक महिंद्रा, इसके नंबर्स कैसे लगे? टेक महिंद्रा न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर आप रिजल्ट रख सकते हैं, लेकिन टेक महिंद्रा की समस्या रिजल्ट नहीं है, टेक महिंद्रा की समस्या है तेजी की पोजीशन बन चुकी है, और पिछले 3-4 सेशन अगर आप देखेंगे टेक महिंद्रा में तो स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है, ये बड़ी दिक्कत है। और जब स्टॉक भाग चुका है तो ऊपरी स्तरों पर अगर खुल जाएगी फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो मेरा मानना है कि टेक महिंद्रा के लिए अब यहां से बढ़ना मुश्किल है स्टॉक का। हालांकि उन्होंने आउटलुक वगैरह ठीक दिया है, ऐसा कोई खराब नजर नहीं आ रहा, रिजल्ट्स भले थोड़े से उम्मीद से कम दिख रहे हैं, लेकिन देखना कि स्टॉक मेरे ख्याल से रिजल्ट्स और प्राइस एक्शन दोनों अलग डायरेक्शन के हैं, तो प्राइस एक्शन जो है वो चूंकि पहले चल चुका है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, आइडिया सेल्यूलर नंबर्स देखें तो एक तरफ तो एक आंकड़ा दिख रहा है कि घाटे से मुनाफे में आई है, बट फैक्ट क्या है, कैसे नंबर्स है? वन टाइम प्रॉफिट है, उस वजह से प्रॉफिट दिख रहे हैं, नंबर ढीले और खराब नहीं है, एक्चुअली घटिया है बहुत ही खराब है, और पता नहीं क्या इनका क्या होने वाला है, अब इसके नंबर कब सुधरेंगे पता नहीं, तो मेरे हिसाब से 3-4% तो कम से कम आराम से गिरना चाहिए, ज्यादा गिर जाए तो बढ़िया। बस दिक्कत एक ही है कि ये पिटा हुआ, लेकिन इसमें एक समस्या और है दीपाली, पिछले 4-5 दिनों में ये वो वोडाफोन वाली डील की सेंक्शन की वजह से ये स्टॉक थोड़ा चल गया है, चल गया तो तेजी की पोजीशन बनी है थोड़ी, ये वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला है। तो अल्टीमेटली देखिए आईडिया में वही 50-52 के भाव आने हैं धीरे धीरे करके, और उसके बाद वापस चलेगा, तो ये क्योंकि अब चूंकि मर्जर अप्रूव हो रहा है तो वापस कभी भी चल भी सकता, तो बेसिकली मेरा सेफ मानना ये है कि 3-4% की गिरावट यहाँ पर हो सकती, थोड़ी ज्यादा हो जाए तो बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये है रिजल्ट्स पर विश्लेषण, लेकिन हम यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे का। तो आजकल यूजुअली स्टॉक ऑफ द डे में आप रिजल्ट वाला स्टॉक ही लेते हैं, आज भी रिजल्ट वाला ही है? बिल्कुल रिजल्ट वाला ही, और रिजल्ट सीजन चल रहा है तो फिर मजा ही एनालिसिस करने का। शॉर्ट साइड पर है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर नतीजे के बाद शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और आपको याद होगा कि परसों जब पूजा नतीजे पेश कर रही थी और मेरे ख्याल से 850 करोड़ के आसपास के ईबीटा की बात हो रही थी, तो मेरा एकदम मैंने कहा ये नंबर ठीक है, इतना आएगा, थोड़ा मुझे डाउट इन द सेंस कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे इंडिगो की हो सकती है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी कंपैरेटिवली, जैसे नंबर आए मुश्किल से 25 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए सबसे पहले मार्जिन बहुत ही खराब है, दूसरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी ढीली है कि क्या बताऊं, ऐसा नहीं कि पहली बार कच्चे तेल के दाम बढ़े, कच्चे तेल के दाम पहले भी कई बार बढ़े,
लेकिन इतनी ढीली परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूँ कि इंटरग्लोब के लिस्ट होने के बाद अब तक के सबसे खराब रिजल्ट मैं मानता हूँ क्वालिटी वाइज। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक, और हम लगातार दो दिन से कंटिन्यूस कह रहे हैं कि ये शॉर्ट है, शॉर्ट है रिजल्ट के दम पे, तो आज भी शॉर्ट है। पहला टारगेट मेरा बनता है 940 का, वहां तक तो गिरना ही है। दूसरा एम्बिशियस टारगेट देता हूँ, वो वाकई में एम्बिशियस है, वो 910। अब एक ही चीज है, हाँ हम दो दिन से कह रहे हैं हो सकता है निचले स्तरों से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो 940 के नीचे टिकता है या नहीं टिकता है वो देखने वाली बात होगी। अगर टिक जाता है तो 910 आना है इवेंचुअली, और ऊपर 1010 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो मेरे ख्याल से इंडिगो परफेक्ट शॉर्ट है इन नतीजों के दम पर, बेहद खराब। इंडिगो आज इंडिगोन हो सकता है, मतलब 940, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गोन स्लिप हो सकता है, क्रैश लैंडिंग 910 दूसरा टारगेट हो सकता है। मतलब ये रिजल्ट है ना, सबसे बड़ी बात क्या है दीपाली, देखो किसी कंपनी के किसी तिमाही के नतीजे खराब हो सकते हैं, किसी के लिए जैसे हमारे लिए भी होता है ना, कोई दिन खराब है, आज शो अच्छा नहीं गया, मूड अच्छा नहीं था, हेल्थ अच्छी नहीं थी, माइंड कहीं और काम कर रहा था, वो हो सकता है। लेकिन क्या रोज ऐसा हो सकता है क्या? अगर इंडिगो के इस रिजल्ट से मुझे अगले क्वार्टर के लिए भी ऐसे संकेत मिले तो मुझे समस्या ज्यादा है ना। अगर एक ही क्वार्टर खराब निकल गया, चलो कुछ प्लेन्स आपके लैंड हो गए, मुश्किल आ गई, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है, डिफोकस है, और ये जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है अब उसके बाद पता नहीं किस कब ये कैसे रिकवर करेंगे इस सारी चीजों से, उस पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मेरे लिए इंडिगो परफेक्ट सेल है। ठीक है, तो इंडिगो आज का स्टॉक ऑफ द डे, जहां पर बिकवाली की सलाह है, और ढेर सारे इंडिगो पर ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं, इन रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे आपको खबरों वाले स्टॉक्स, कुछ और अहम नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। टीम है तैयार आपकी मदद करने के लिए, पूजा बताएंगी कल शाम के बाद से आए अहम नतीजे, मानसी के पास है वो ढेर सारे स्टॉक्स जहां खबरों के दम पर आज दिखने वाला है एक्शन, और सबसे ज्यादा काम है डिम्पी के पास, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जब ब्रोकर भी इतना काम कर रहे हैं रिजल्ट सीजन में, तो डिम्पी को तो ढेर सारी रिपोर्ट्स बतानी है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं आज नतीजों के साथ, और इसके साथ ही हाँ हमारे एक्सपर्ट्स भी तो जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर साहब हमारे साथ हैं, किरण जाधव साहब, और साथ ही राकेश बंसल जी भी आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट, आप सबका स्वागत है। चलिए आपसे बात करें, उससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं नतीजों की। पूजा बताइए आपकी लिस्ट। जी मेरे लिस्ट में 11 नतीजे हैं। 11 जी। ओके तो शुरुआत पहले आईडीएफसी बैंक के साथ करते हैं। आईडीएफसी बैंक यहाँ पर एनपीए घटे हैं, अगर साल दर साल तिमाही दर तिमाही दोनों आंकड़े देखें तो एनपीए घटे हैं, और जो मुनाफे का भी जो फिगर आया है वो भी हमारे अनुमान से बेहतर है, तो आईडीएफसी बैंक के अच्छे नतीजे कहेंगे। ओवरऑल रियल्टी यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ आई है, मुनाफे और आय दोनों में ही करीब 3-3 गुनी बढ़त देखने को मिली है, और लो बेस का भी कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर कंपनी को मिला है, तो अच्छे नतीजे ओवरऑल रियल्टी की तरफ से। शारदा क्रॉपकेम यहाँ पर मिले जुले हैं, और तिमाही दर तिमाही बात करें तो नतीजे काफी ज्यादा कमजोर हैं, और साल दर साल मिले जुले नंबर्स हम कहेंगे। मुनाफे में 20% की गिरावट आई है, मार्जिन में भी दबाव है, लेकिन अगर आय की बात करें तो 34% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। पायनियर डिस्टिलरीज यहां पर कमजोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, और आय में भी 15% की गिरावट देखने को मिली है, तो कमजोर नतीजे पायनियर डिस्टिलरीज की तरफ से। गुजरात गैस यहां पर अगर बात करें तो जो नंबर्स आए हैं वो हमारे अनुमान से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आय में अगर बात करें तो 2% की बढ़त, लेकिन कंपनी का जो अन्य आय का कंपोनेंट है वहां पर काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली, जिसका कि सहारा मुनाफे में आया है, मुनाफे में 83% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने पोस्ट की है। जेपी एसोसिएट्स कमजोर नंबर्स, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, और अगर आय की बात करें तो यहां पर भी करीब 34% की गिरावट कंपनी की आय में देखने को मिली है, कमजोर नंबर्स जेपी एसोसिएट्स के। GSPL आय में 32% की बढ़त है, और मुनाफे में 5% की गिरावट आई है, एबिटा की बात करें तो 24% की बढ़त है, या आय मुनाफे में इसलिए कमजोरी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई है, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कंपनी के मुनाफे के फिगर में देखने को मिल रहा है। अगर आय और मार्जिन की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर है, तो मिले जुले नंबर्स GSPL की तरफ से। मोंटे कार्लो शानदार ग्रोथ, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और अगर आय की भी बात करें तो 28% की ग्रोथ आय में देखने को मिली है, और इसके अलावा एबिटा में भी अच्छी बढ़त है। अगर तिमाही दर तिमाही बात करें तो घाटे से मुनाफे में आई है, साल दर साल 20% की ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में दर्ज हुई है। महिंद्रा लाइफ स्पेस यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, मुनाफे में कंपनी ने करीब 80% से ज़्यादा ग्रोथ इस बार पोस्ट की है, और रेवेन्यू में भी करीब 13% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस अच्छे नतीजे। एवेन्यू सुपर मार्ट यहाँ पर भी हम शुरू से ही बात कर रहे थे, ग्रोथ यहाँ पर शानदार देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड थे और अनुमान के मुताबिक ही नंबर्स आए हैं, इनफैक्ट अनुमान से बेहतर नतीजे
नतीजे इस बार देखने को मिले हैं वेन्यू सुपरमार्केट्स के। मुनाफे में 40% से ज्यादा की ग्रोथ आई है और रेवेन्यू की बात करें तो 27% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की। कंपनी को अन्य आय से फायदा हुआ है जिसमें की 3 गुनी बढ़त अन्य आय में देखने को मिली है। आय की बात करें तो 6% की बढ़त है लेकिन अन्य आय से काफी ज्यादा योगदान मिला है तो मुनाफा हमने देखा है कि डबल हुआ है। करीब 4 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 8 करोड़ का आया है तो एस्ट्रा माइक्रोवेव के भी अच्छे नंबर्स हैं। तो जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे आए हैं उन पर ही फोकस कीजिए जैसे गुजरात गैस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरा रियल्टी, एवेन्यू सुपरमार्ट। लेकिन खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं अब मानसी से पूछ लेते हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपाली, बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। बैंक का 15,500 करोड़ का एक क्यूआईपी खुला, क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 2,179 रुपये रखा गया है तो इस पर एक फोकस रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। यूएस कोर्ट ने दवा जेनरिक दवा कंपनी की जो है सुबोक्सोन उसको बेचने की अर्जी खारिज की और जब तक ये मामला कोर्ट में चलता रहेगा, पेटेंट का मामला जब तक चलेगा तब तक इस दवा की बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी तो डॉक्टर रेड्डीज। इसी के साथ एसबीआई बैंक ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट दरों में कटौती की है और अपने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दरों में बढ़त की गई है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट दर जो है 0.25% से 0.45% किए गए हैं तो यहां पर एक कटौती हुई है और साथ ही लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में 6.65% से बढ़ाकर 6.7% से किया गया है। साथ ही बात करते हैं टेक्स मैको रेल कंपनी की सब्सिडरी ने स्पेन की एक कंपनी के साथ एक करार किया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी तकनीकी लेस सिस्टम बनाने के लिए एक करार किया गया है तो टेक्स मैको रेल एक फोकस में रहेगा। इसी के साथ इंडो सोलर, सरकार ने सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है। 25% सेफगार्ड ड्यूटी सोलर सेल के इंपोर्ट पर लगाई गई है। विकसित देशों से इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगी है, साथ ही चीन से सोलर सेल इंपोर्ट पर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की योजना है। इसी के साथ टीसीएनएस क्लोदिंग, यहां पर दो ऐसी कंपनियां जहां पर फंड एक्शन दिख रहा है, टीसीएनएस क्लोदिंग और तलवरकर लाइफ स्टाइल्स। टीसीएनएस क्लोदिंग में स्टीनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज नाम के फंड ने लगभग 3,27,000 शेयर्स खरीदे हैं। 655 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहां पर शेयर्स खरीदे गए हैं और साथ ही तलवरकर लाइफ स्टाइल स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 2,25,000 शेयर्स यहां पर बेचे हैं। 0.7% हिस्सेदारी 138 रुपये प्रति शेयर पर यहां बेची गई है। तो ये है इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स, इन सब पर राय लेंगे। डिम्पी भी है ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर, डिम्पी से रिपोर्ट्स जानेंगे और अहम रिपोर्ट्स हैं कुछ बड़े स्टॉक्स पर। उससे पहले एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग पिक्स पूछ लेते हैं। अविनाश, राकेश और किरण जादव हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश गुड मॉर्निंग, पहले आप बताइए नतीजों और खबरों के हिसाब से आज कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर? दीपाली मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक फोकस में रहना चाहिए। कल नतीजे जो आ गए बहुत ही बेहतरीन थे और कंपनी का प्रॉफिट अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट हमको लग रहा है एसेट क्वालिटी और स्पेशली लोन बुक ग्रोथ की जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है वो काफ़ी एनकरेजिंग है। हमको लग रहा है कि करंट लेवल से डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हमारे हिसाब से अगर 6 to 12 months का नज़रिया है तो एटलीस्ट नियर टर्म में तो 600-610 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। और क्लियरली जिस प्रकार से लोन बुक ग्रोथ का 15-16% बढ़ना प्लस कॉरपोरेट लोन बुक पे अभी फोकस वापस आना ये डेफिनेटली एक अच्छी बात रहेगी। दूसरा स्टॉक आरके फोजिंग रहेगा। इनके नतीजे 2 दिन पहले आए थे, इनफैक्ट जो कॉनकॉल की कमेंट्री थी वो बहुत ही बढ़िया है। नॉट ओनली डोमेस्टिक बिजनेस बट जो इनका यूएस क्लास 8 का ट्रक का बिजनेस है वहाँ पे भी ट्रैक्शन बहुत ही सॉलिड है। कंपनी मानती है कि से कम 25-30% टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा इजाफा होगा तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और क्लियरली 6 to 12 months का नज़रिया है तो 770-780 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहाँ पर अविनाश जी के रीजन्स के बाद खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक, आरके फोर्जिंग, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट हाउसेस को कौन से मौके दिख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद खरीदारी या बिकवाली के, और ढेर सारे आज रिपोर्ट्स हैं तो निम्पी पहले तो थोड़ी दिग्गज कंपनियों के बताइए। एचडीएफसी को लेकर जो कल नंबर्स आए उसके बाद किसी ने बेचने की राय तो नहीं दी, सभी ने कहा कि होल्ड कीजिए या तो रेटिंग अपनी बढ़ा दी है। सीएलएसए कह रहा है कि 2480 कर दीजिए, इनका पहले टारगेट 2430 था। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और मोतीलाल ओसवाल भी कह रहा है खरीद लीजिए, 2335 का टारगेट है। तो ज्यादातर लोग बुलिशेस पे, ये तो हो गया एचडीएफसी। दूसरा कल आया था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को लेकर जो रिपोर्ट्स आई वो अच्छी आई है। सीएलएसए ने कहा है कि हम अपने लक्ष्य को बढ़ा देते हैं, 40 रुपए से 690 कर देंगे और उनका मानना है कि एनआईएस ठीक है, रिकवरी के चलते मुनाफा भी उम्मीद से बेहतर
चल रहा है और कोटेक कह रहा है कि इसको ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि इसका निम अनुमान से बेहतर है, यानी कि जो मार्जिन हैं वो बेहतर है और ये 600 रुपए तक का टारगेट दे रहे हैं। अब आते तीसरा टेक महिंद्रा पे, जैसे आप भी कह रहे थे शेयर थोड़ा पहले चला हुआ है, किसी भी ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको बड़ी खरीदारी की राय तो नहीं दी है, ज्यादातर ओवरवेट या अंडर आउट परफॉर्मर वाली ही रेटिंग है। जैसे कि सीएलएस से कह रहा है कि हमने लक्ष्य को तो बढ़ा दिया 635 से 650 बट सेल रेटिंग से अंडर परफॉर्मेंस इसको किया है और कुछ खास बड़ा बदलाव तो इसमें नहीं किया गया है और ज्यादातर पे न्यूट्रल रेटिंग है। अब आते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स पे, इसके भी नंबर आए हैं। सीएलएसए ने कहा है कि हम अपने टारगेट को 1150 से बढ़ाकर 1425 कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। मैक्वायरी भी कह रहा है कि ठीक है क्योंकि 14% की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है यह अनुमान से बेहतर है और इनका मानना है कि आगे चल के भी इनके ऑपरेशन में और सुधार होगा अगली छमाही के अंदर, इसलिए उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मैक्वायरी ने दी है। इन्होंने भी टारगेट को बढ़ाकर 1400 ही कैटेगरी में ले आए हैं, वो भी 1465 है। और एक आइडिया को लेकर थोड़ी दिक्कत है क्योंकि सीएलएसए ने भी कहा है कि हम अपनी रेटिंग को घटा रहे हैं, 70 से घटाकर उन्होंने 51 कर दिया, सेल की रेटिंग को बरकरार रखा, अबीटा से वो निराश हैं। और आइडिया पे ही कोटेक सिक्योरिटीज ने कहा है कि हम भी इसको 75 का ही टारगेट देंगे, क्वार्टर वन के नतीजे ठीक नहीं है और आगे चल के प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये सारी रिपोर्ट है जहां पर आज एक्शन होने वाला है। सीएलएसए का टारगेट है 51 रुपए का आइडिया पर, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, लेकिन इसके अलावा भी रिपोर्ट है। इसके अलावा भी रिपोर्ट है, श्री सीमेंट को लेकर रिपोर्ट आई है। निमूरा की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें खरीदारी, वैसे तो तीन रिपोर्ट है लेकिन तीनों का सार करीब करीब 22,000 तक के आंकड़े बनता है, इसलिए सारी की सारी रिपोर्ट्स एक ही तरफा कह रही है। उनका कहना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन पे ठीक है आगे चल के और इनके प्रॉफिट्स भी आगे बेहतर होंगे। दूसरा इंडिगो, जिसको लेकर अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, सिटी कह रहे 850 तक आ जाएगा, इसको आप बेच दीजिए। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि पहले हम इस पे आउट परफॉर्मर थे, ओवरवेट थे, अब हम भी न्यूट्रल हो गए हैं और हमने भी 1000 के नीचे का टारगेट, इनका टारगेट 900 है, ये 1150 से इन्होंने घटा दिया है। इसके अलावा डी मार्ट, इसको लेके खरीदारी की राय तो नहीं लेकिन सभी लोग बने रहने की राय दे रहे हैं डी मार्ट पे। एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, इन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ाया 1050 से 1175 किया है, बस वो यही कह रहे हैं, उन्होंने कहा वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लग रही है उनको यहां पर भी। एस्कॉर्ट्स मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, 1230 ऑलरेडी 1500 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, लेकिन इस पे जो रिपोर्ट है वो सिर्फ 1175 के, पहले का टारगेट को बढ़ाया है। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग है। तो ओके, एस्कॉर्ट्स पे क्या है रिपोर्ट? एस्कॉर्ट्स पे इन्होंने लक्ष्य बाय का रखा है, 1170 से बढ़ाकर 1230 कर दिया गया है और एस्कॉर्ट्स पे ये कहना है कि उनके ऑपरेटिंग आधार पर नंबर्स ठीक है और मैक्वायरी के टॉप पिक में से एक है 1230 एस्कॉर्ट्स। अब आते हैं आइशर मोटर पे, सीएलएसए कह रहे हैं कि इनका हार्ले डेविडसन का जो आक्रामक रणनीति है एशियन मार्केट्स को लेकर ये काम आएगी, वो इस पर टारगेट दे रहे हैं 39,300 का, 39,300 का बाय रेटिंग है। जीएसपीएल पे डॉश बैंक की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि 240 का लक्ष्य रखें, बाय ही आप करके चले इस पे भी क्योंकि क्वार्टर फोर के जो आगे नंबर्स आए वो बेहतर हैं और आने वाले दिनों में भी नंबर्स बेहतर होंगे। मेहसाणा और भटिंडा वाली जो पाइपलाइन शुरू हुई है उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। शॉपर स्टॉप को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट है जेफरीज की, 660 का टारगेट है, कल भी शेयर चल रहा था, स्विंग देगा। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यूबीएस की भारती एयरटेल पे, वो ये कह रहे हैं कि 520 टारगेट कर लीजिए, इनका मार्केट शेयर अभी भी काफी बेहतर है और 6 महीने में प्राइसिंग में सुधार होने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल कल अच्छा चला था 5%, आज रिपोर्ट आ गई यूपीएस की। इंटरेस्टिंग, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज इन रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा एक्शन, देखते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन एक्शन की शुरुआत कर लेते हैं पहले बंसल जी के साथ, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमारे साथ स्टूडियो में। बंसल जी, पहले तो अपनी पिक्स बताइए आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, दो ही पिक्स हैं, पहला एक बाय कॉल है हमारा जहां बैटरी पर, यहां पर खरीदारी की राय रहेगी, 780 का स्टॉप लॉस, 842 का टारगेट। और दूसरा एक सेल कॉल है इंडिगो पर, जिसमें कल भी डिस्कशन हुआ था, इस स्टॉक ने एक बड़ी इंटेंसिटी की है, एक बड़ी नेकलाइन तोड़ी है। अगर बड़े चार्ट पर देखें तो असेंडिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न से इसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ है, 1020 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 915 के टारगेट के लिए इंडिगो को बेचने की राय रहेगी। और अल्टीमेटली मुझे लगता है इंडिगो अपने नए 52 वीक लो लगाने का पोटेंशियल लगता है, जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, अगर किसी ने डिलीवरी के नजरिए से ले रखा है तो निकल जाना चाहिए। ये स्टॉक नीचे में 670 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। 915 ये आपका पहला टारगेट है या ये इंट्राडे का टारगेट है राकेश? दीपाली, एक दो दिन का टारगेट है 915 इंडिगो का। रिपोर्ट्स भी 900 रुपए तक की बात कर रही है तो रुकेगा, तो ये स्टॉक नंबर्स बेहद खराब आए हैं। लेकिन किरण जाधव भी हमारे साथ, किरण आपकी ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए। मॉर्निंग दीपाली जी, मेरा पहला पिक रहेगा रैलीज इंडिया, जहाँ पे बाय करने की सलाह। इसके दो रीजन है, एक तो पहले इसने पिछला जो स्विंग बॉटम बनाया था दिसंबर 2016 में और अभी वो 185 के करीब ही है, तो डबल बॉटम पैटर्न है, इसका मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा। और आज के लिए मेरा टारगेट 206 का है, स्टॉप लॉस 192 पर, अगर एक महीने का अगर वक्त देते हैं तो 220 से 230 के लेवल सबको देखने में मिल जाने चाहिए।
दूसरा होगा जीएसएफसी जो कि डेरिवेटिव मार्केट में भी है। जीएसएफसी में बहुत अच्छे पैटर्न स्टॉक ने किया है और जिस तरीके से बाउंस बैक मिला है पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से, मेरा मानना है कि इधर से मोमेंटम अभी पिकअप हो रहा है। इधर बाय करने की सलाह होगी 115.50 रुपए नजदीक वाला स्टॉप लॉस है, टारगेट आज के लिए 124 का रहेगा। तो कल हमारा चलते चलते स्टॉक भी था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रिजल्ट्स के हिसाब से हमने बताया था और आज रिजल्ट्स हैं, मेरे ख्याल से मिनिमम 50% मुनाफा बढ़ के आना चाहिए, शायद अब तक के सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स में से इसके रिजल्ट्स हों तो, और डेट फ्री भी हो सकती है। 500 करोड़ की सब्सिडी मिली, 5 साल से अटका हुआ था, वो पैसा आएगा तो अगले क्वार्टर में शायद डेट फ्री हो जाए, और कैप्रोलेक्टम जो इनका प्रोडक्ट है जिसके स्प्रेड्स बने उसका फायदा रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, तो जीएसएफसी इसीलिए, और कल मेरे ख्याल से दिन के हाई पॉइंट पर बंद भी हुआ था 6% के उछाल के साथ, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। कल का हमारा चलते चलते स्टॉक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक और ऐसे दमदार स्टॉक बताएंगे इसी सेगमेंट में, लेकिन कुणाल भी है हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं उनकी ट्रेडिंग पिक्स। बताइए कुणाल। देखिए तीन काउंटर्स हैं दीपाली जिसमें खरीद की राय है, जिसमें सबसे पहले डिवीज लैब है जिसमें कि एक ब्रेकआउट आते हुए हमने कल लेट आवर्स में देखा था, और मुझे लगता है कि 1180 के लक्ष्य से बाय करना चाहिए, 1130 पर एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। अशोक लेलैंड में बिकवाली की कॉल है, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर हुआ है और कई दिनों का जो एक पुल बैक एक्शन है वो अब समाप्त होते हुए दिखेगा, 109 के टारगेट से बिकवाली करें, 116 पर स्टॉप लॉस रखने की राय है। और खरीदारी की राय है डाबर पर, जिस पर मैंने कल भी बाय की कॉल दी थी और मुझे लगता है कि आज भी आपको मोमेंटम बना दिखेगा, 405 का लक्ष्य मेरा है, 387 पर स्टॉप लॉस रखकर डाबर भी बाय करना चाहिए। डाबर के तो आज नतीजे भी आने हैं, 13% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, नंबर्स से पहले अच्छी तेजी स्टॉक दिखा भी रहा है, लेकिन अब खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। अविनाश राय दीजिए अपनी एवेन्यू सुपरमार्ट पर, नतीजे तो अच्छे आए हैं लेकिन नतीजे के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो शायद वैल्यूएशन से बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए टारगेट जेपी मॉर्गन के 1175 के हैं, हालांकि गोल्डमैन सैक्स 1900 तक के टारगेट्स की बात कर रहा है, आप क्या करेंगे इन स्तरों पर इन नतीजों के बाद डीमार्ट में? नहीं, मेरे ख्याल से दीपाली नंबर्स तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन आ गए हैं, बट हमको लग रहा है कि जिनके पास है वो स्टॉक को होल्ड करे, फ्रेश बाइंग की डेफिनेटली गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो ऑलरेडी डीमार्ट के जो वैल्यूएशंस है काफ़ी रिच वैल्यूएशंस है, यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है वैल्यूएशंस को गिरने की, लेकिन आप ऊपरी लेवल को बढ़ने के लिए भी नियर टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट्स में जो भी स्टॉक्स इतने ज़्यादा भाग चुके हैं वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा बड़ी अपसाइड देखने को नहीं, हालांकि इसमें डेफिनेटली कोई गिरावट अगर आती है तो एक खरीदने का मौका बन सकता है, बट करंट लेवल्स पे मेरी राय में होल्ड ही करना चाहिए। फिलहाल होल्ड करें, जल्दबाजी न करें, भले ही जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है लेकिन वो पहले से पीछे चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे स्टॉक और ऊपर जाते रहेगा, वैसे ही होने वाला है, रिजल्ट खराब तो है नहीं, ठीक है, भाव के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन वो तो कंपेयर करते हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स के 1950 के टारगेट्स में, अच्छा जी 1950 है, वो ज्यादा काम का है, 1953 पहले थे, 1968 अब किया, थोड़ा सा बढ़ाया 10-12 रुपए, लेकिन टारगेट शो करके नंबर तो खराब तो किसी हिसाब से है ही नहीं है, इसमें क्या खराबी है, अब इस बेस पर इतने नंबर आ रहे हैं अच्छी बोले जाएंगे तो, और दूसरा है कि एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े बहुत 19-20 हो भी हुआ, ऐसा तो नहीं कोई डिजास्टर है इंडिगो टाइप कि जिसके पास है वो बेच के भाग ही जाएंगे, वापस क्या होगा इसका, तो डीमार्ट कौन बेचेगा दमान जी के स्टॉक, कोई नहीं बेचने वाला, चिंता न करें। ओके आइए, एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए और वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक पर किरण जी जरा राय दीजिए, आज QIP खुल रहा है 15,500 करोड़ रुपए का, 2,179 रुपए, 2179, ये देखिए QIP की फ्लोर प्राइस उन्होंने ऊपर दी है, इंटरेस्टिंग है भाव से, और जो ADR में जो दे रहे हैं वो तो 13% प्रीमियम पर दे रहे हैं। HDFC बैंक क्या लेवल अहम है, खरीदना चाहिए बेचना चाहिए इस भाव में, क्या करेंगे? नहीं, खरीदने चाहिए, थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, मेरा लेवल रहेगा 2180 से 2150, ये लेवल्स बाइंग के रहेंगे और वापस एक बार आपको 2200 के ऊपर के लेवल्स देखने में मिल जाने चाहिए। कल का जो थोड़ा सा हल्के सी गिरावट आई है वो कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है, पर ये करेक्टिव रैली है, हमने ऐसे करेक्टिव रैली इस रैली में बहुत बार देखे है, पर ये मार्केट आउट परफॉर्मिंग काउंटर है, डिलीवरी बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। ओबरॉय रियल्टी, अविनाश इस पर राय दीजिए, नतीजे तो काफी दमदार आए हैं, मार्जिन्स 52% पर हैं और आप मुनाफा देखिए 90 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ रहा है, स्टॉक पिछले सत्र में अच्छी मजबूती के साथ बंद भी हुआ है, आज के लिए कैसे ट्रेड लें ओबरॉय रियल्टी में?
नहीं, मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है और थोड़ा बहुत डेफिनेटली सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। हमको लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपटिक जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार के इनके अभी भी मुंबई रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है और जो लैंड बैंक है, हमको लग रहा है कि दीपाली FY19 और FY20 में दोनों ही सालों में जो टॉप लाइन का ट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को साल भर का भी नज़रिया लेना है तो रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर है जो बिल्कुल डेट फ्री है, लिवरेज ज्यादा नहीं है और जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स है हमको लग रहा है कि यहां से करीबन 540-550 का नियर टर्म का टारगेट एक बन सकता है, तो यहां से जरूर एक खरीदने का मौका बनता है। खरीदारी का मौका है ओपर रियल्टी में 540-550 के टारगेट्स के लिए नतीजों के बावजूद भी। महिंद्रा लाइफ स्पेस इस स्टॉक पर कुणाल एक राय आप दे दीजिए। नतीजे ठीक है, रेवेन्यू 13% बढ़ा है और मुनाफा 90% के आसपास बढ़ा है, लेवल्स बताइए आज के लिए क्या है होंगे और अगर बढ़कर खुले तो क्या तेजी की पोजीशंस लें? देखिए स्ट्रक्चर ठीक ठाक है दीपाली, लगातार ये काउंटर आउट परफॉर्म करता आया है और मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस 605 के आसपास नज़र आती है, 605 पार हुआ तो फिर सीधा 660 तक की रेजिस्टेंस दिखती है, तो मुझे लगता है कि 605 के ऊपर अगर आज ये टिक पाता है, 15-20 मिनट भी टिक जाए तो बाय करना चाहिए। 640 का पहला टारगेट होगा और स्टॉप लॉस उस सूरत में 585 पर रखकर बाय किराए रहेगी। ओके, 585 ये है आपके लिए, 585 स्टॉप लॉस है। अगर 605 के ऊपर तभी खरीदें, पहले नहीं लेना, पहले मत लीजिए। ऐसा क्यों? अनिल जी काफी समय से कंजेशन में फंसा हुआ है, तो अगर आप खरीदेंगे भी तो भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा क्योंकि 600 पर रेजिस्टेंस है। अच्छा। तो एक बार वो रेजिस्टेंस निकल जाए फिर खरीदें, उसके बाद ही लेना। ठीक है, परफेक्ट है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है अविनाश गोरखकर, किरण जादव और राकेश बंसल और साथ ही कुणाल सरावगी जी। आइए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां आज रिजल्ट आने वाले हैं। टाटा मोटर्स, बंसल जी तो आपको ही बताना पड़ेगा, टाटा मोटर्स को रिजल्ट के पहले खरीदना है कि बेचना है? सवाल तो मुश्किल है आपके लिए, लेकिन बताइए। नहीं अनिल जी, यहाँ पर बेसिकली एज ऑफ नाउ खरीदूंगा तो बिल्कुल नहीं चार्ट्स पर नतीजों से पहले, अनटिल एंड अनलेस स्टॉक ऊपर में 275 की नेकलाइन को तोड़ के उसके ऊपर की क्लोजिंग दे और नीचे में तभी बेचने की राय रहेगी अनिल जी, जब ये स्टॉक 258 के नीचे निकलता है डिसाइसिवली तब बेचना चाहिए। तो लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, 275 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो बाय करें, 258 के नीचे निकल के सस्टेन करता है तो सेल करें, एल्स स्टॉक जो है नो ट्रेडिंग जोन में है। नो ट्रेडिंग जोन में है टाटा मोटर्स, आज रिजल्ट्स आने हैं। यूपीएल, इस पर किरण अपना व्यू दीजिए, यूपीएल के नतीजे आ जाएंगे और विदेशी बाजार में जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रह सकती है, 10% के आसपास की ग्रोथ तमाम विदेशी बाजारों से कंपनी पोस्ट कर सकती है, क्या करेंगे आज नतीजों से पहले? नतीजे से पहले इस स्टॉक ने बहुत अच्छी मूव दी है, करीबन 550 से 650 की मूव आई है, उसके बाद पिछले 5 दिनों से एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस ही बनाने चाहिए, नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है चार्ट के हिसाब से। आपका स्टॉप लॉस 615 का होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले एक हफ्ते के अंदर आपको 690 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो 690 तक ये स्टॉक जा सकता है, खरीदने की सलाह है। अविनाश एक राय गोदरेज कंज्यूमर पर दीजिए, नतीजे तो कल बाजार के दौरान ही आए थे, 14-15% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव है, ज्यादातर हाउसेस ने लक्ष्य को बढ़ाया है, सीएलए से भी 1425 के टारगेट की बात कर रहा है, लेकिन आपको ये स्टॉक 1310 के लेवल पर नई खरीदारी का कम्फर्ट देता है, खरीदेंगे? इनफैक्ट दीपाली नंबर्स जो कल आ गए काफ़ी बेहतरीन थे, इनफैक्ट बॉटम लाइन करीबन 80% बढ़ी है, कंपनी ने 1:2 का बोनस भी दिया है, हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि एक्स बोनस होने के बाद वापस स्टॉक एक अच्छा लेवल पे पहुंचेगा। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया स्ट्रांग है और जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ आया है हमको लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है, होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो इनके लिए जो रूरल बेस है वो और भी बॉटम लाइन और टॉप लाइन को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ज़रूर खरीदिए। हमको लग रहा है कि एक्स बोनस डेफिनेटली यू नो अच्छी लेवल आपको मिलेगी और ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो पिक साबित हो सकता है, पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में। लेकिन आज जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं उसमें वायदा बाजार से जुड़ी भी ढेर सारी कंपनियां हैं और वी गार्ड, इस पर एक राय ले लेते हैं किरण की, क्योंकि नतीजों से पहले स्टॉक में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं और कल भी ये स्टॉक 1.5 रुपए के आसपास बढ़कर बंद हुआ था, इसके डेटा और चार्ट देखकर बताइए आज क्या करना चाहिए वी गार्ड में किरण? देखिए पिछले हफ्ते और कल भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे हैं नीचे से और ये स्टॉक पहले ही थोड़ा सा भाग चुका है पर बहुत अच्छा बेस डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से करीबन 200-205 के लेवल्स के करीब है, तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करनी चाहिए। मेरा मानना है कि और अपसाइड देखने मिल जानी चाहिए,
मेरे टारगेट्स इस सीरीज के लिए 240 के करीब के देखने को मिल जाने चाहिए। तो आउट ऑफ द मनी के कॉल्स अगर बाय करते हैं जो छोटा सा प्रीमियम देके, तो काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है कॉल्स में। आपका स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 205 के नीचे होना चाहिए। 205 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज, इसको लेकर भी एक खबर खराब है कि जो सुबोक्सोन, कौन सी दवा? अब आप सही बोलने लगे हैं, सही बोल रहे हैं, सुबोक्सोन सही है। चलिए, तो इसकी दवा को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो थोड़ी टली है, तो मतलब फैसला आने में थोड़ा इनफैक्ट अर्जी खारिज हो गई है, तो मामला लटक गया है। तो अक्टूबर में अब कोर्ट में दोनों कंपनी इंडिवोर और डॉक्टर रेड्डीज के बीच में कोर्ट में बहस होगी और तब कोई डिसीजन आएगा। तो तब तक तो ये अभी दवा लॉन्च नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, मतलब ये तो खराब हो गया मामला। अब इस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी ये बताइए अविनाश जी, क्या किया जाए? डॉक्टर रेड्डीज गिर के 2050 के नजदीक फिर से आ गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, आई थिंक स्टॉक में एटलीस्ट नियर टर्म में के लिए कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है, और ये न्यूज़ डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव है। मार्केट्स डेफिनेटली जो बिल्ट इन कर रहा था कि ये ड्रग आने के बाद जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा वो अभी कम से कम इस टाइम तक नहीं आएगा, और आगे जो भी कोर्ट का फैसला होगा तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई फ्रेश रेटिंग नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर आ सकती है, बट कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। बट जिनके पास है वो मैं कहूँगा उनको होल्ड करना चाहिए। ये डेफिनेटली नियर टर्म डेवलपमेंट है, एज सून एज कोर्ट का नतीजा आता है इस स्टॉक में वापस आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल नियर टर्म है, लेकिन नियर टर्म भी थोड़ा मीडियम टर्म हो गया। अक्टूबर में तो सुनवाई शुरू होगी, फैसला कब आएगा वो देखने वाली बात होगी।